ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डेरिवेशन वैसे मैंने बता दिए थे पहले, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं आज ढंग से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें टोटल चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। बस होता क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में एक चार्ज होता है प्लस का क्यू, एक होता है माइनस का क्यू, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये सिस्टम एक डाइपोल की तरह काम करता है, मतलब एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक के दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो ये खींचते हैं चीज़ों को। वैसे ही यहाँ पे आप मान लो कि डाइपोल एक चुंबक की तरह काम करता है और उसमें दो चार्जेस थोड़ी दूरी पे होते हैं, प्लस और माइनस। वास्तव में तो चुंबक इनसे ही बनती है, डाइपोल से, आप आगे पढ़ोगे उस चीज़ को। तो डाइपोल के अंदर मान लो एक चार्ज मैंने लिया प्लस का क्यू, तो एक हो जाता है माइनस का क्यू, उनके बीच में एक दूरी आती है। इस दूरी को आप कुछ भी लिख लो, एल टू एल, लेकिन आमतौर पर हम इसको टू एल लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम मिड पॉइंट से नापते हैं डाइपोल के हर चीज़ को, तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें एक टर्म आती है वैक्टर वाली, अच्छा एक होता है, एक टर्म और आती है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? ऐसा डाइपोल जिसमें जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू तो क्या हो, बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज वैल्यू हो, और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2L, वो डिस्टेंस क्या हो, वो डिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम, तो हम बोलेंगे अच्छा डाइपोल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बाइक है तो सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, तो आप बोलोगे ऐसी बाइक जिसकी रेट कम और उसका माइलेज ज़्यादा, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा। तो उस तरह से ये आइडियल डाइपोल अच्छा होता है, अच्छा डाइपोल, उसमें चार्ज तो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस बहुत कम होगा। और इसका उल्टा भी आ सकता है, टर्म नहीं होती पर बना सकते वैसे ना, बेकार डाइपोल, उसमें क्या होगा, चार्ज तो बहुत लो आ जाएगा और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे ना हम एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर एक प्लस का चार्ज है क्यू, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो 90 डिग्री पे निकलती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हर चार्ज के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है। तो अगर डाइपोल भी है तो इसमें क्या होगा, दोनों चार्जेस का अपना भी एक चार्ज की फील्ड होगी, उसका प्रभाव होगा। तो जब ये दोनों पास पास होते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। देखो इस सिस्टम में क्या होगा, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया अलग से, तो ये नेगेटिव उसको धक्का मारेगा और ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अपने पास खींचेगा, लेकिन ये पास में ताकतवर है तो ये इसको भगा देगा। मान लो कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता तो ये डाइपोल ये वाला उसको खींचना चाहता, ये वाला उसको धक्का मारता, पर ये वाला पावरफुल होता क्योंकि दूरी कम होती यहाँ पे, तो ये खींच लेता। मतलब डाइपोल में वैसे चार्ज जीरो है, बट एक डिस्टेंस आया ना उनके बीच में, उस डिस्टेंस की वजह से एक चार्ज को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ आ गई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर से शो करते हैं इसको। दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 2L ली हुई है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमको कैसे मिलती है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यानी कि अगर मान लीजिए एक चार्ज होता 2 कूलम, एक होता -2 कूलम, उनके बीच का डिस्टेंस होता 10 सेंटीमीटर, तो मैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या निकाल सकता था, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दो ही आता, इनका डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, मैं मीटर में करूँगा उसको, क्योंकि हम SI को फॉलो करते हैं ना सिस्टम को, SI सिस्टम, ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास को kg में, और टाइम को हमेशा सेकेंड में लो आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, और ये वैल्यू होती है कूलम इनटू मीटर, यूनिट होता ना इसका, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम, इसका यूनिट मीटर। तो ये तो आया मैग्नीट्यूड, लेकिन डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो क्या आता है, इसको आप ढंग से याद रखना, हमेशा एक एनालॉजी बन जाएगी, देखना, माइनस से प्लस की चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस क्यू है और यहाँ पे है माइनस क्यू, तो जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, माइनस से प्लस की वजह से। और आगे आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म वालों में, 12th क्लास वाले, कि अगर दो चार्जेस होते हैं, जैसे सॉरी तो एक चुंबक के दो पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक वेक्टर डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, साउथ से नॉर्थ पोल। तो आपको अगर थोड़ी चीज़ों को याद रखना है तो देखना, जो यहाँ पे प्लस चार्ज करता है चुंबक में, वही काम लगभग नॉर्थ पोल करता है, और जो यहाँ पे माइनस साइन काम करता है वही काम लगभग साउथ पोल करता है।
तो एक तो पी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए था, वो आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसका एक यूनिट होता है डी बाई नाम से। अब ये ऐसा ही होता है या फिर शायद सीजीएस, दोनों में से कहीं हो सकता है, वो एक बार कंफर्म कर लेना, मैं भी कर दूंगा कंफर्म। इस यूनिट को एक बार याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं इस यूनिट के बारे में। तो अब इसमें ना जो चौथा डेरिवेशन था वो था डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो ठीक है, अगर हमको यहाँ पे अगला करना था डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, पहले ये थोड़ा गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे मासूम सा, इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले क्या था, थीटा वन। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का अगर वेक्टर लोगे आप तो वैसे तो वेक्टर तो यूँ आएगा, लेकिन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है वो, तो फिर ऐसे, लेकिन ठीक है दोनों के बीच में अभी एंगल क्या था, थीटा वन, बाद में एंगल क्या हो गया, थीटा टू। मतलब आपने पहले ऐसे रखा हुआ था ये, अब या तो ये अपने आप घूम गया ऐसे, या किसी ने घुमा दिया, जो भी है, अगर घुमाया है किसी ने हाथ से पकड़ करके, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि वर्क करना पड़ेगा, और अगर वो अपने आप घुमाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो खुद की यूज़ करेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला करवाया था टॉर्क वाला कल, उसमें आंसर आता है एंड में जो टॉर्क लगती है डाइपोल के ऊपर, पी ई साइन थीटा, और इसको ऐसे भी लिखना सीखा था, पी क्रॉस ई। थोड़ा मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं था, वैसे करेंगे डिस्कस उसको बाद में। और तो टॉर्क का फॉर्मूला यह आया था। अब एक बार देखो कॉमन सेंस से देखो, मान लो हमको नहीं पता होता डाइपोल में कि क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, या फिर एक बार मैं ढंग से दोबारा बना देता हूँ, ये देखो, सपोज़ ऐसे था डाइपोल किसी टाइम पे, तो हमने कल भी ये चीज़ देखी थी टॉर्क वाली, अभी भी देखते हैं। देखो एक बार, माइनस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और प्लस चार्ज पे कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मतलब ये ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, एक उसको यूँ खींच रही है फोर्स, ऐसे ले जा रही है, एक ऐसे ऐसे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो अगर यूँ करोगे तो ये घूमेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस वाले को कहाँ ले जाना चाह रही है, इस तरफ, और ये कहाँ ले जाना चाह रही है, इस तरफ, तो ये अपने आप घूमेगा ऐसे, मतलब ये फील्ड इसको घुमाएगी। पहले मान लो ये वाला एंगल था, बाद में ये वाला एंगल हो गया, तो हम उसमें नापेंगे कि फील्ड ने कितना वर्क करा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो 11th से ये चीज़ आती है, या छोटी क्लास में और भी आ जाती है, कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी वजह से आती है, वर्क डन की वजह से। अब वर्क डन का फॉर्मूला आमतौर पर जो जानता है 9th का बच्चा या 11th का, वो जानता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। पहला सबसे सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है, अगर फोर्स बदले ना तो, अगर फोर्स बदल रही होती है तो हम इसको इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं ऐसे, और वैसे तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन देखो यहाँ पे ना लीनियर मोशन नहीं है, मतलब चलने वाला मोशन नहीं है ऐसे, ये घूमने वाला है, तो हम यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन ये वाली नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन कौन सी यूज़ करेंगे, हम करेंगे टॉर्क इंटू में डी थीटा, मतलब जैसे फोर्स है उसकी जगह टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर यू, और डी थीटा होता है एंगल घूमने वाला, मतलब थोड़ा सा घूम गया वो एंगल डी थीटा से। और अगर कांस्टेंट होता तो बिना इंटीग्रेशन के, वरना ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी वर्क डन के। वर्क को मैं लिखूंगा इंटीग्रल टॉ डी थीटा, थोड़ा एंगल में यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, बट अभी नहीं जा रहा उस चीज़ में, ठीक है। वैसे तो इनका भी डॉट होता है, लेकिन छोड़ो एक बार उस चीज़ को, देखो टॉर्क का डायरेक्शन बताना पड़ेगा मेनली मुझे, तो अभी नहीं बता रहा मैं उस चीज़ को। अब इसमें टॉर्क की वैल्यू आप रख दो इस डेरिवेशन से पी ई साइन थीटा से, तो टॉर्क हो जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा। अच्छा लिमिट क्या होंगी थीटा की, देखो पहले था थीटा वन, बाद में हो गया थीटा टू, तो लिमिट लगाते हैं हम इंटीग्रेशन की, ऐसे नीचे थीटा वन ऊपर आ जाता है थीटा टू, तो यहाँ पर लिमिट लग गई इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे आ गया डी थीटा। अब ये क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे, पहली बात तो पी ई ये तो बाहर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है वो बदल नहीं रहा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट क्या आएगी थीटा वन से थीटा टू। अब इस माइनस साइन को भी आप बाहर निकाल लोगे तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस पी ई, अंदर आएगा कॉस थीटा, और इसकी लिमिट होगी थीटा वन से थीटा टू की तरफ, ठीक है। अब इसको हम आगे जब लिमिट को रखते हैं तो कैसे रखते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन होता है अगर हमारे पास, और उसमें हमको लिमिट लगानी होती है, मान लो ए टू बी, तो हम कैसे लगाते हैं, पहले तो एक्स की जगह या वेरिएबल की जगह बी को रखते हैं, फिर ए को, तो यही हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का पी ई, और इंटीग्रेशन के अंदर है कॉस थीटा,
ठीक है, लिमिट थीटा वन से थीटा टू, तो ये क्या बनेगा, पहले तो हम रखेंगे थीटा को थीटा टू, तो कॉस थीटा टू, फिर माइनस का साइन आता है, फिर हम रखेंगे कॉस थीटा वन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, माइनस का पी ई बाहर और यहाँ पे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब ग्यारहवीं की एक बात होती है कि आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, आप हमेशा क्या निकालते हो, उसका बदलाव, चेंज। तो वास्तव में देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ना होकर के क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी, मतलब दोनों पॉइंट पे डिफरेंस है, पहले डाइपोल थीटा वन एंगल पे था, फिर थीटा टू पे हो गया था, दोनों का जो फर्क है उसके लिए टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो ये चेंज कब आता है, जब आपके पास पहले एंगल था थीटा वन और बाद में हो गया थीटा टू। लेकिन आमतौर पर देखो हमको ना एक अजम्पशन लेना होता है पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे अगर मानूँ कि पहले अगर मान लो थीटा वन था जीरो, सॉरी नॉट जीरो, 90 डिग्री, मतलब इनिशियली डाइपोल परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, डाइपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, दोनों के बीच में एंगल था 90 डिग्री का। तो अगर मैं थीटा वन को रख दूंगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आया मेरे पास वो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस और कॉस 90, तो कॉस 90 आजकल जीरो चल रहा है, तो जीरो। तो आपके पास आंसर क्या आता है इसका, माइनस पी ई कॉस थीटा टू। ये वैल्यू किसकी आती, ये वैल्यू आती पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो थीटा टू एंगल पे होती और माइनस एक पोटेंशियल एनर्जी जो थीटा वन एंगल पे होती। थीटा वन हमने लिया है 90 डिग्री पे, तो थीटा टू पे और माइनस पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा टू एंगल पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता माइनस पी ई कॉस थीटा टू। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जब 90 डिग्री का एंगल होगा, तब हमने अगर मान ली जीरो, नॉट डिग्री सॉरी, हमने मान ली जीरो, तो क्या होगा, यहाँ पे आप रख दो उसको, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा टू एंगल पे कितनी आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा टू। अब देखिए ये भी एक वेक्टर होता है, ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई और इनटू में उनके बीच के एंगल का कॉस, तो ये क्या शो कर रहा है, इनका डॉट शो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है ए पी कॉस थीटा। तो ऐसे ही पी ई और इनके बीच का एंगल थीटा टू। यहाँ पे वैसे मैं कन्फ्यूज थोड़ा कर सकता हूँ तुमको, अगर मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ इसके डायरेक्शन की, ठीक है। लेकिन देखो एक बात पता होती है ना कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो सेम होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो उसको आप। तो अगर आप उस एंगल की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 90 डिग्री की एंगल की जीरो मान लो, तो आपके पास किसी और एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस पी डॉट ए, वरना आपने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। ईजिली आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे जो भी आएगा ट्वेल्थ में सी बी एस ई हरियाणा बोर्ड सब में, तो वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करते हो आप आमतौर पे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया।